नहीं एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस। अगर आप भी विली की तरह सही से प्रोनाउंस करना चाहते हो तो डाउनलोड करो कुकू टीवी किड्स ऐप और एवरीडे कुछ नया सीखो। एक कॉलेज के बाहर पप्पू का एक स्नैक का सेंटर था। वो अपने स्नैक सेंटर पर पिज्जा भी बेचता था और मैगी भी। एक मैगी देना भाई। हाँ अभी देता हूँ। एक वेजिटेबल पिज्जा देना। एक्स्ट्रा चीज। हाँ एक्स्ट्रा चीज। वैसे तो पप्पू का स्नैक सेंटर ठीक ठाक चल रहा था, पर क्योंकि वो एक कॉलेज था तो वहाँ आसपास कई और स्नैक सेंटर थे। पप्पू हमेशा सोचा करता था कि कैसे वो अपना धंधा बढ़ाए। एक दिन उसका एक दोस्त उसके दुकान पर आया। अरे पप्पू भैया, तनिक हमको एक पिज्जा खिलाओ। हाँ हाँ अभी लो। हमको कोनो आम पिज्जा नहीं चाहिए। तो कैसा पिज्जा चाहिए तुमको? हमें अपने पिज्जा में सब कुछ चाहिए, सब्जी, पनीर और मैगी भी। क्या पिज्जा पे मैगी? हाँ हाँ, तुम तो हमको जानते हो, हमको मैगी भी खाना है और पिज्जा भी खाना है। पर पिज्जा पर मैगी कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, आप बनाकर तो देखिए। विक्रम की बात सुनकर पप्पू ने पिज्जा मैगी बनाना शुरू किया। उसने पिज्जा के बेस के ऊपर मैगी डाली और उस पर ढेर सारी टॉपिंग्स और चीज डाला। अब ये हुई ना बात। पप्पू ने ये मैगी पिज्जा ओवन में डाला और दोनों इंतजार करने लगे पिज्जा के पकने का। मैगी पिज्जा की खुशबू तो मस्त आ रही थी। वाह क्या खुशबू है। पप्पू ने कुछ देर बाद वो पिज्जा बाहर निकाला। मैगी पिज्जा दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट था। ला ला ला। पप्पू ने पिज्जा काटा और विक्रम को दिया। विक्रम ने पिज्जा चखा। वाह वाह क्या स्वाद है। हम नहीं कहते थे कि कमाल होगा? कमाल, बेमिसाल, वाह वाह वाह। इतना अच्छा है? हाँ भाई, तुम भी खा के देखो। पप्पू ने भी अपना बनाया हुआ मैगी पिज्जा खाया और उसे भी वो बहुत पसंद आया। अरे भाई ये तो एकदम नई डिश बन गई। विक्रम और पप्पू मैगी पिज्जा खा रहे थे तभी वहाँ तीन ग्राहक आए। अरे ये कौन सा पिज्जा है? मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा, हमें भी एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने एक और मैगी पिज्जा बनाने रख दिया। जब वो बना रहा था तब कुछ और ग्राहक आए, उन्होंने भी मैगी पिज्जा का ऑर्डर दे दिया। पप्पू एक के बाद एक मैगी पिज्जा बनाने लगा। वो पिज्जा बनाता और ओवन में डालता और फिर काट कर ग्राहकों को दिया करता था। ये तो मस्त है, मजा आ गया। पप्पू भैया बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद। अरे पप्पू भैया, आइडिया तो हमारा था ना? हाँ हाँ भाई, तुम्हारा ही आइडिया था। थैंक यू मेरे दोस्त। पप्पू ने विक्रम को गले लगाया। उस दिन से पप्पू का मैगी पिज्जा काफी बिकने लगा। पप्पू खुश था। एक मैगी पिज्जा। एक मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा के लिए पप्पू के स्नैक सेंटर पर भीड़ लगी रहती थी। कुछ दिनों बाद पप्पू ने इतने पैसे कमा लिए कि उसने पिज्जा सेंटर को बड़ा बना दिया। वाह भैया, इतना बड़ा पिज्जा पार्लर। हाँ भाई, ये सब तेरी देन है। उस दिन तेरे मैगी पिज्जा के आइडिया ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। वेलकम भाई, वेलकम। पर मुझे हमेशा फ्री में पिज्जा खिलाना होगा। हाँ हाँ, तू फिकर मत कर। पप्पू का बड़ा पिज्जा पार्लर खुल गया। अब ग्राहक अंदर बैठकर खाते थे, सब कुछ ठीक था। पर पप्पू के बगल में एक स्टॉल था, विनोद का। विनोद सालों से फ्रेंकी और पिज्जा बेच रहा था। ये कल का लौंडा हमारे पीछे आया, इसने इतना बड़ा पिज्जा पार्लर डाल दिया। बस उसका मैगी पिज्जा का आइडिया हिट हो गया। हाँ, पर उस मैगी पिज्जा में ऐसा है क्या? कुछ खास तो नहीं है। तो हम भी बनाते हैं मैगी पिज्जा और उसे कम दाम में बेचेंगे। ये हुई ना बात बॉस। हाँ अब मजा आएगा। विनोद ने कम दाम में मैगी पिज्जा बेचने का आइडिया निकाला। वहाँ पप्पू के पिज्जा पार्लर में मैगी पिज्जा 100 रुपए का था। हम 80 रुपए में मैगी पिज्जा बेचेंगे। उस दिन विनोद ने अपने स्टॉल के बाहर पोस्टर लगाया, मैगी पिज्जा 80 रुपए में। और कम दाम देखकर यंगस्टर्स विनोद की स्टॉल में आए। एक मैगी पिज्जा देना। मुझे भी मैगी पिज्जा देना। अब सारे यंगस्टर्स मैगी पिज्जा खाने विनोद के स्टॉल पर जाने लगे। ये हुई ना बात छोटू, अब हम पूरा मार्केट खा जाएंगे।
पप्पू के स्नैक शॉप पे धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी थी और अब पप्पू को चिंता सताने लगी थी कि वो क्या करेगा। मैं भी दाम कम करके देखता हूँ। उसी दिन पप्पू ने भी नया बोर्ड लगाया, मैगी पिज्जा 70 रुपए। विनोद ने पप्पू का बोर्ड देखा। 70 रुपए, अब देख। विनोद ने 50 रुपए का दाम लगा दिया और एक बार फिर ग्राहक विनोद के ठेले पर जाने लगे। अब पप्पू परेशान हो गया। 50 रुपए से कम दाम कैसे रखूं? मेरा नुकसान हो जाएगा। पप्पू सोच ही रहा था कि तभी तेज हवा बहने लगी। हवा ने आकार लिया एक औरत का। पप्पू, मैं तुम्हारी कुलदेवी हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। आज से तुम जो भी मैगी पिज्जा बनाओगे वो विशाल बन जाएगा, उससे तुम्हारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। इस मुनाफे का एक भाग तुम गरीबों में दान करना, तुम्हारा कल्याण हो। पप्पू की कुलदेवी ने उसके पिज्जा ओवन पर कुछ जादू किया और वो गायब हो गई। पप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। कुछ देर बाद उसके पार्लर में एक कस्टमर आई। भैया, एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने हमेशा की तरह मैगी पिज्जा बनाया और ओवन में डाला। ओवन में डालते ही पिज्जा का आकार बढ़ने लगा, वो पिज्जा ओवन के जितना बड़ा हो गया। पप्पू और वो लड़की दोनों हक्के बक्के रह गए। ये क्या जादू है? जादुई मैगी पिज्जा। पप्पू ने वो बड़ा सा पिज्जा बाहर निकाला और उसके टुकड़े किए। मुझे तो बस एक ही स्लाइस चाहिए। फिर पप्पू ने एक एक करके सारे स्लाइस अलग अलग ग्राहकों को बेच दिए। पप्पू के जादुई मैगी पिज्जा की बात आग की तरह फैल गई और फिर ग्राहकों की भीड़ लग गई। एक पिज्जा का स्लाइस कितने का? 30 रुपए। पप्पू एक पिज्जा के 6 स्लाइस करके अच्छा खासा कमाने लगा। रात को उससे कुलदेवी की बात याद आई। इसकी कमाई का एक हिस्सा मुझे दान करना है। तो पप्पू ने एक हिस्सा अलग किया और वो पैसे लेकर वो मंदिर के पास गया। उस पैसों से उसने खाना खरीदा और गरीबों को खिलाया। भगवान तेरा भला करे बेटा। और ऐसे ये नेकी का सिलसिला चलता रहा। पप्पू जादुई मैगी पिज्जा बेचकर अच्छे पैसे कमाता और उसमें से एक हिस्सा गरीबों को दान करता। और वहाँ विनोद अपने बाल नोचता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पप्पू का पिज्जा अपने आप बड़ा कैसे हो रहा है। जादू का वरदान पप्पू को मिला क्योंकि वो अच्छा था और उसके जरिए अच्छाई आगे बढ़ सकती थी। नारायणपुर नाम का एक गांव था, वहाँ महेंद्र अपने छोटे भाई देवेंद्र के साथ रहा करता था। देवेंद्र हमेशा से ही अपने परिवार के साथ शहर में रहने के कारण गांव बस गर्मी की छुट्टियों में ही आया करता था। महेंद्र का परिवार गांव का सुखी परिवार था, ना ज्यादा धन की लालच और ना ज्यादा दिखावा, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता। लेकिन देवेंद्र का परिवार जो कि शहर से आया हुआ था, उनके बच्चे हमेशा ही कुछ ना कुछ नाटक किया करते थे। मैंने कहा ना तुमसे, हम आज घर पर बना कर ही खाना खाएंगे, ज्यादा जिद मत करो। लेकिन पापा, मुझे ये खिचड़ी विचड़ी कुछ नहीं खाना, मुझे चाइनीज खाना है। अब मैं यहाँ से चाइनीज कहाँ से लाऊं? मैं खुद बासी चावल खा रहा हूँ, मैं अब और मेरे बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता। देवेंद्र अपनी समस्या लेकर अपने बड़े भाई के पास जाता है, जो उस वक्त कोयले के खदान में काम कर रहा होता है। भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था ना? मैं और मेरा परिवार खाना खाने के लिए भी तड़प रहा है, आप बड़े भाई होकर भी कुछ करते नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फिर से शहर चला जाऊंगा। तुम सबके सामने यहाँ मेरा तमाशा बनाने आए हो, ये बातें तो घर पर भी हो सकती थी ना? महेंद्र थका हारा अपना काम करने के बाद देवेंद्र के साथ घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि देवेंद्र की पत्नी महिमा महेंद्र की पत्नी रूपा से झगड़ रही है। आप बड़े होने के लायक नहीं है, आज तक कोई भी बड़े होने का फर्ज नहीं निभाया है आपने, जो इतना कह रही हैं। अरे जा जा कलमुही, ना जाने शहर जाकर क्या खा लिया, जो गांव भूल ही गई हो। आपसे तो बात ही करना बेकार है। क्यों लड़ रही हो भाग्यवान, चलो हम अपने घर के अंदर चले। महेंद्र रूपा के साथ अपने घर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि रूपा ने मसालेदार चटपटा खाना बनाकर रखा है। अरे वाह रूपा, तुमने तो आज स्वादिष्ट खाना बनाकर रखा है, फिर देवेंद्र किस बात से लड़ रहा था, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। अब मैं क्या बताऊं जी, देसी चिड़िया विदेशी भाषा, घर में लाख अच्छी चीज हो
पर उसे और उसके बच्चों को तो बाहर का ही खाना खाना है। एक तरफ महेंद्र गांव के घर में बने स्वादिष्ट पकवान खा रहा था, देवेंद्र की पत्नी अपने बच्चों को मैगी बनाकर खिला रही थी। एक रात बीत चुकी थी। सुबह महेंद्र कोयले की खदान में काम करने के लिए निकल ही रहा था कि उसे देवेंद्र आंगन में बैठा दिखाई दिया और तभी से उसने उसे परेशान करने की सोची। रूपा, कल रात का खाना लाजवाब था। सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा ठेला खोल लूँ जहाँ तुम्हारे हाथ का बना खाना सब खा सके, एकदम स्वादिष्ट और मसालेदार। अरे जाइए, बड़े आए, जाकर मजदूरी कीजिए। अब भाई रात का खाना अच्छा खाया है तो जाकर मजदूरी भी मेहनत वाली होगी। उतने में ही वहाँ पर डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। ये चिट्ठी देवेंद्र के नाम से है। देवेंद्र कौन है? जी मैं हूँ, कहिए क्या बात है? ये चिट्ठी आपके कंपनी से आई है, शहर से, ये लीजिए। जरूर मेरे तरक्की का पत्र होगा, मजा आएगा। डाकिया चिट्ठी देकर वहाँ से चला जाता है। तब देवेंद्र चिट्ठी पढ़ता है और रोने लगता है। क्या हुआ छोटे, इतना रो क्यों रहे हो? भारी नुकसान की वजह से कंपनी ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देवेंद्र को रोता हुआ देख उसकी पत्नी महिमा वहाँ पर आ जाती है। आप रो क्यों रहे हैं जी, क्या हो गया है? जरूर जेठ जी ने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम तो पता नहीं क्यों परिवार तोड़ने के पीछे पड़ी रहती हो, मेरी नौकरी छूट गई। देवेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही महिमा सहम जाती है। अब हम क्या करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बाकी है, कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ कैसे करूँ, इतना कर्ज भी सर पर है। शांत हो जाओ, मैंने सुना है कि महिमा शहरी खाना अच्छा बनाती है, तुम उसका व्यापार गांव में करो, अच्छा मुनाफा होगा। मुनाफा तो होगा लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं नई दुकान डाल सकूं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे दूंगा, जब मुनाफा चलने लगे तो तुम आकर मुझे दोबारा दे देना। देवेंद्र महेंद्र से कुछ पैसे उधार ले लेता है। देवेंद्र साइकिल से शहर जाकर पिज्जा बनाने का सामान लेकर आता है। महिमा और देवेंद्र मिलकर पिज्जा बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। पूरे ठेले पर वो लोग पिज्जा रख कर बाजार में बेचने लगते हैं। ऐसा पिज्जा बना है जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, पूरा गांव झूम उठेगा। हाँ हाँ, आओ पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ। कुछ देर आवाज लगाने के बाद ही वहाँ पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं। अरे भाई क्या बेच रहे हो, पिज्जा? हमने भी बहुत सुना है कि ये कुछ शहरी खाना है, जरा दो हम भी खा कर देखें। हाँ हाँ, मुझे भी दे दो। और जैसे ही उन्होंने पिज्जा खाया, उन्होंने पिज्जा थूक दिया। ये क्या बना दिया है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, ये कैसा पिज्जा है, इससे अच्छा तो हमारे गांव का खाना है। हाँ हाँ, चलो चलो, कितना बेकार है। पूरा दिन बीत चुका था लेकिन कोई भी गांव वाला पिज्जा खाने नहीं आया। इस चीज से परेशान होकर देवेंद्र ने सारी बातें अपने बड़े भाई महेंद्र को बताई। तुम्हें किसने कहा शहरी खाना बेचने को, ये गांव है, यहाँ के लोगों को टिकाऊ और तंदुरुस्त खाना खाने की आदत है, तो फिर इसका कोई सुझाव भी तो बताइए। एक काम क्यों नहीं करते, कुल्हड़ में गांव का देसी तड़का डालकर उसमें पिज्जा क्यों नहीं बनाते? मैं आपको लिख कर देती हूँ कि वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। भाभी आपने सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगा, महिमा को मैं समझा दूंगा। देवेंद्र ने रूपा की बात मानी और महिमा से कुल्हड़ पिज्जा बहुत सारे बनवाए और फिर उन्हें लेकर बाजार में ठेले पर बेचने चला गया और चिल्लाने लगा, कुल्हड़ पिज्जा, कुल्हड़ पिज्जा, देसी तड़के के साथ बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ ही देर में कुल्हड़ पिज्जा की खुशबू हर जगह फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्राहक वहाँ पर आ गए। जरा हमें भी बताओ कुल्हड़ पिज्जा क्या है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। हाँ हाँ, मुझे भी दे दो, देखने में तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है, आखिर खाकर तो देखूं। उन लोगों ने कुल्हड़ पिज्जा खाया
और कहने लगे, मजेदार, मुझे मजा आ गया। मैंने शायद ही ऐसा कुछ जीवन में खाया है, अद्भुत। और मेरे लिए भी दो पैक कर दो, मैं जाकर घर में अपने बच्चों को कूल्हड़ पिज्जा खिलाऊंगी। देवेंद्र और महिमा की आमदनी बहुत बढ़ गई थी। उनका कूल्हड़ पिज्जा बहुत अच्छा चलने लगा था। लोगों की भीड़ रहा करती थी वहाँ पर। देवेंद्र ने महेंद्र के दिए हुए पैसे उसे वापस लौटा दिए। जादुई कूल्हड़ पिज्जा बहुत अच्छा चल रहा है। जादुई कूल्हड़ पिज्जा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। एक दिन एक बूढ़े बाबा हमारे घर आकर भीख मांग रहे थे, और तभी मैंने उन्हें कुछ रोटियां खिलाई थी। मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से उन्होंने मुझे जादुई जड़ी बूटी दी थी। उस जड़ी बूटी को मैंने कूल्हड़ पिज्जा में डाल दिया था, जिससे कि उसका स्वाद और सुगंध पूरे बाजार में फैल गया था। ये सारी बातें सुनकर महेंद्र बहुत खुश हो गया। आखिर देवेंद्र है तो अपना भाई ही ना, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और इसी तरह देवेंद्र और महेंद्र एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। नागपुर गांव में एक पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो गांव में एक विद्यालय के बाहर कचौरी बर्गर बेचा करती थी। गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो, जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आओ आओ, गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे उसके ठेले के पास आकर गर्म गर्म कचौरी बर्गर खा रहे थे। पिंकी, जरा मुझे एक प्लेट कचौरी बर्गर दे दो। ऐसे ही सारे विद्यार्थी कचौरी बर्गर चाव से खाते थे। इतना ही नहीं, उस गांव के लोग भी वो कचौरी बर्गर खाने आया करते थे। पिंकी बेटा, ले जाने के लिए कचौड़ी बर्गर पैक कर दो। पिंकी बेटा, मुझे दो प्लेट कचौड़ी बर्गर देना। तुम्हारे हाथों की तो कचौड़ी बर्गर देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। धन्यवाद बापू। विद्यालय के बाहर रेखा और उसकी बहन शिखा भी कचौड़ी बेचा करती थी। उनकी बिक्री उतनी नहीं होती थी। ये सब देखकर रेखा और शिखा बहुत जला करती थी। जरा इसके ठेले पर तो देखो कैसी भीड़ लगी है, सारे के सारे लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ दीदी, सुबह से आज हमारी दुकान में कोई कचौड़ी खरीदने नहीं आया। अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिंकी कचौरी बर्गर बेचकर घर वापस आती थी और अपनी बीमार माँ की देखभाल किया करती थी। पता है माँ, आज मेरे हाथ की कचौरी बर्गर खाकर सबने बहुत तारीफ की और मेरे सारे कचौरी बर्गर बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे ऐसे ही तुम्हारी बिक्री होती रहे। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और पिंकी उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाती है, जिसके कारण वो कचौरी बर्गर की दुकान नहीं लगा पाती। उधर रेखा इस बात का फायदा उठाकर लोगों को अपनी तरफ बुलाती है। आओ आओ, मेरे कचौरी बर्गर एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। रेखा दीदी, कचौरी बर्गर दे दो मुझे एक प्लेट। अभी देती हूँ, जरा ठहर। उसके हाथ के कचौरी बर्गर खाकर बच्चे बोलते हैं, ये कैसी कचौरी बर्गर बनाई है, ऐसी कचौरी बर्गर खाकर तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तुम पिंकी दीदी के जैसी कचौरी बर्गर नहीं बना सकती। रेखा के हाथ की कचौरी बर्गर किसी को पसंद नहीं आई थी। उधर पिंकी की माँ ठीक होकर घर आ जाती है और पिंकी दूसरे ही दिन कचौरी बर्गर बेचने वहाँ दोबारा जाती है। गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो। बच्चे पिंकी को देख कर दौड़े चले आते हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ के कचौरी बर्गर खाए बिना हम सबको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो चलो, अब जल्दी से कचौरी बर्गर दे दो। देखते ही देखते वहाँ के सारे गांव वाले और बच्चे कचौरी बर्गर खाने आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा कहती है, जरा देखो तो सही, मेरे हाथ के कचौरी बर्गर किसी ने नहीं खाए और ये पिंकी के आते ही उसके ठेले पर इतनी भीड़ लग गई, इससे तो मजा चखाना ही होगा। रेखा पिंकी को सबक सिखाने की योजना बना लेती है और वो मौका देखते ही पिंकी की कचौरी बर्गर में दवा मिला देती है, जिससे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या, पिंकी की कचौरी बर्गर खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो इसको यहाँ से भागना ही होगा। हाँ, भगाना ही होगा। इसकी कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो। पिंकी को गांव के लोग वहां से भगा देते हैं और पिंकी रोते रोते अपने ठेले को लेकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर रेखा बहुत खुश होती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी कचौरी बर्गर बेचने वाली। पिंकी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है।
अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? मेरा कचौरी बर्गर तो आज बिका ही नहीं, ऐसा इस कचौरी बर्गर में मैंने क्या डाल दिया? एक बूढ़ा पिंकी के ठेले को देखकर पिंकी के पास आकर कहता है, बेटा मुझे कचौड़ी बर्गर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं अंकल, मैं ये कचौड़ी बर्गर आपको नहीं दे सकती, इस कचौड़ी बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या करूं बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैंने ये ठेला देखा तो तुम्हारे पास आ गया। नहीं अंकल, ये कचौड़ी बर्गर आप मत खाइए, मेरे पास 50 रुपए है, ये लीजिए और कहीं और जाकर कुछ और खा लीजिए। उस बूढ़े को पिंकी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और वो बूढ़ा उस कचौरी बर्गर की तरफ देखकर अपना हाथ उठाता है जिसमें से कोई रोशनी निकलती है और वो जादू करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पिंकी को पता ही नहीं चलती और वो घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ आज मैं कचौरी बर्गर नहीं बेच पाई, मेरे कचौरी बर्गर में कुछ मिलावट हो गई है जिसके कारण लोगों के पेट खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कचौरी बर्गर में मिलावट? जरा मुझे खिला तो, मैं भी तो देखूं इस कचौरी बर्गर में क्या मिलावट है। पिंकी वो कचौरी बर्गर अपनी माँ को लाकर देती है। जैसे ही वो कचौरी बर्गर उसकी माँ खाती है उसकी सेहत में सुधार होने लगती है। देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे पेट में दर्द हुआ और ना ही मेरी तबीयत खराब हुई। क्या माँ तुम सच कह रही हो? ये सब देखकर पिंकी दूसरे ही दिन अपनी कचौरी बर्गर बेचने वापस वहीं जाती है। पिंकी जरा कचौरी बर्गर दे दो। ठीक है अभी देती हूँ। वो आदमी जैसे ही कचौरी बर्गर खाता है उसके पेट दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है और वो आदमी पिंकी से कहता है, अरे ये क्या पिंकी बेटा, तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये बात गांव में फैल जाती है कि पिंकी के पास जादुई कचौड़ी है जिसे खाकर सभी की बीमारी दूर हो जाती है और ये सुनकर सारे लोग पिंकी के पास आकर कचौड़ी मांगते हैं। पिंकी पिंकी मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो, तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर रेखा सोचती है, मैं भी जरा ये कचौरी बर्गर खाकर देखूं तो मेरी भी कुछ बीमारी ठीक हो जाए, जरा मुझे भी कचौरी बर्गर खिला दो। रेखा कचौरी बर्गर जैसे ही खाती है उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। वो समझ जाती है कि उसने गलत किया इसलिए उसके साथ उल्टा हो गया। सारे लोग कचौरी बर्गर खाकर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये बात पिंकी को समझ नहीं आती। बूढ़ा फिर से पिंकी के पास आता है। पिंकी बेटा मुझे 50 के कचौड़ी बर्गर दे दो। अरे अंकल आप तो वही हो ना जो उस दिन मेरा कचौड़ी बर्गर खाना चाहते थे, वो कचौड़ी बर्गर खराब होने की वजह से मैंने आपको मना कर दिया था। हाँ पिंकी मैं वही हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ा एक परी के वेश में आ जाता है। ये क्या आप परी बन गई? आप कौन है? हाँ पिंकी मैं बूढ़ा नहीं, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे कचौरी बर्गर को एक जादुई कचौरी बर्गर में बदल दिया था जिससे जो भी ईमानदार व्यक्ति वो कचौरी बर्गर खाएगा उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात जानकर पिंकी बहुत ही खुश होती है और धन्यवाद कहती है। वो जादुई कचौरी बर्गर से अपनी माँ और सारे लोगों की बीमारी ठीक कर देती है।